आज हम बनाएंगे पिनव्हील सैंडविच। ये बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से नई तरह के सैंडविचेस तैयार होते हैं जिनको आप अपनी हाउस पार्टीज में सर्व कर सकते हैं। पिनव्हील सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड को स्टीम करेंगे। इसके लिए हमने एक ग्लास पानी को गर्म किया है। पानी गर्म होने के बाद हम इसके ऊपर सीव रख देंगे। ब्रेड की साइड्स काट लेंगे। मैंने इसके लिए जंबो ब्रेड ली है, आपको जो भी ब्रेड अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। साइड्स काटने के बाद हम इसको दोनों तरफ से स्टीम कर लेंगे। स्टीम करने से ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगी और हम इसको रोलिंग पिन से पतला पतला बेल लेंगे। क्योंकि हमने व्हील्स बनाने हैं तो हमने ब्रेड को रोल करना है, इसलिए हम इसको पतला कर लेंगे। मैंने इसके लिए 3 कलर्स यूज किए हैं। रेड कलर के लिए मैंने कैरेट को कद्दूकस किया है, व्हाइट के लिए पनीर लिया है और ग्रीन कलर के लिए मैंने कैबेज ली है। अगर आपको कैबेज ना पसंद हो तो आप कैप्सिकम या खीरा भी ले सकते हैं। इसके साथ हम 3 कलर की सॉसेज लेंगे। ग्रीन के लिए मिंट सॉस, व्हाइट के लिए अमूल बटर और रेड के लिए मैंने रेड चिली सॉस और टमाटो सॉस को मिक्स किया है। आप तीनों सब्जियां अपने अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं। इसमें हम नमक और वाइट पेपर डालेंगे। इसके लिए रेड चिली या ब्लैक पेपर इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि कलर चेंज हो जाता है, व्हाइट पेपर से इनका बेसिक कलर सेम रहता है। अगर घर पे व्हाइट पेपर अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी पेपर यूज ना करें। थोड़ा थोड़ा नमक और व्हाइट पेपर ऐड कर लेंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। कोई भी चीज घर पे ना हो तो आप उसकी जगह दूसरी चीज यूज कर सकते हैं। चलिए सॉसेस स्प्रेड करते हैं। सबसे पहले हम मिंट मेयोनेज को स्प्रेड कर लेंगे। अगर नमक डालने के बाद आपको सब्जियों में थोड़ा सा पानी लगे तो आप प्रेस करके पानी निकाल दें। अब इसकी थोड़ी थोड़ी लेयर लगा दें, ज्यादा थिक लेयर नहीं लगानी है। अब हम बटर स्प्रेड करेंगे। थोड़ा सा पनीर डाल देंगे। इसी तरह से हम तीसरी लेयर भी रेडी कर लेंगे। सबसे पहले हम सॉस स्प्रेड करेंगे। और थोड़ी थोड़ी कैरेट डाल देंगे। कैरेट की जगह आप टमाटोज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके सीड्स निकाल दें। अब हम इनको सेट कर लेंगे। बहुत ध्यान से सेट करना है ताकि ब्रेड नहीं टूटे। अब एक एल्युमिनियम फॉयल ले लेंगे और इसको धीरे धीरे रोल कर लेंगे। इसको थोड़ा टाइटली रोल करना है। रोल करने के बाद अब एल्युमिनियम से इसको रैप कर देंगे। ये हमारे रोल्स रेडी हैं। इनको 15 से 20 मिनट तक के लिए हम फ्रीजर में रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, हमारे पिनव्हील रोल्स रेडी हैं। अब हम इनको पीसेस में कट कर लेंगे। मैंने एक नॉर्मल ब्रेड से भी एक रोल तैयार किया है। अगर आपको सैंडविच ब्रेड या जंबो ब्रेड ना मिले तो आप नॉर्मल ब्रेड को भी वैसे ही स्टीम करके एक छोटा रोल भी तैयार कर सकते हैं। इससे छोटे छोटे सैंडविचेस बन जाएंगे। अब हम इसको रोल को खोल लेंगे और छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इस तरह से इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप फॉयल के साथ भी कट कर सकते हैं या फॉयल उतारने के बाद भी इसको कट कर सकते हैं। इस तरह से ये रोल्स रेडी हो जाएंगे। ये सैंडविचेस जितने दिखने में सुंदर लगते हैं, खाने में उतने ही अच्छे लगते हैं। इस तरह से आप रोल्स रेडी कर लीजिए। ये मैंने नॉर्मल ब्रेड से रोल तैयार किए हैं। अगर आपको सैंडविच ब्रेड ना मिले तो आप नॉर्मल ब्रेड से भी बना सकते हैं। हमारे सैंडविचेस तैयार हैं। ये बहुत ही हेल्दी और कलरफुल सैंडविचेस हैं। आप इनको अपनी पार्टीज में सर्व कर सकते हैं।
और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।